हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल गुड। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो कल वाले ही चैप्टर का, सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही अपना, जो कल हमने पढ़ा था एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में। और स्पेशली हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रा किसका पढ़े थे? हाइड्रोजन का। तो हमने वहाँ जस्ट ना रिजल्ट लिख दिया था, उसका कोई हमारे पास कन्फर्मेशन नहीं था कि भाई किस तरह से हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे या क्या उसमें इम्पॉर्टेंट बात है, मतलब उसको किस तरह से हम लोग जानेंगे। नहीं तो एक्चुअल में अगर हमारे को ये बात पता लग जाती है तो फिर हमारे लिए कोई, मतलब कहते हैं ना, बचता ही नहीं है। कि अगर हमारे को ये बात पता लग गई तो हम इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इन चीज़ों को लेके चलते हो कि सर चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे आपके पास किसका, एमिशन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। तो आपने ये बताया था कि हम लोग एक चैम्बर ले रहे हैं, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ पर वही कैथोड एनोड, यहाँ पर हम लोग इसको कनेक्ट कर रहे थे किसी डिस्चार्ज ट्यूब से, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी से, यहाँ से जो भी आपके पास रेडिएशंस जो मिल रही थी, जिनकी बात कर रहे थे, तो इसको हमने नाम दिया था किसका, स्पेक्ट्रम का। तो आपने कहा था कि इन रेडिएशंस की अगर वेवलेंथ आप लोग कैलकुलेट कर लो तो आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा कि आपके पास इमिशन स्पेक्ट्रा की बात हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए हमने जब लाइन की बात की थी तो मैंने उसको इस तरह से लिखा था कि जो लाइन होगी वो आपके पास इस तरह से हम लोग उसको मेजर करके लिखेंगे कि भाई आपके पास एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है, एक ये हो गई, एक आप इस तरह से लिखते हो, एक आप यहाँ लिख देते हो, मान लीजिए ये आपके पास आ गया। तो ये आपके पास एन वन की वैल्यू अगर वन है तो आपने इसको डिस्कस किया था कि सर ये मेरे पास कौन सी सीरीज होगी, लाइमन सीरीज होगी। कौन सी सीरीज होगी? लाइमन, यही लिख देते हैं आपके पास, लाइमन सीरीज, ठीक है। जब आपने एन वन की वैल्यू क्या रखी थी, एन वन की वैल्यू आपने टू रखी थी, तो क्या था आपके पास, ये बाल्मर सीरीज। क्या रखा था? बाल्मर सीरीज। फिर आपने एन वन की वैल्यू थ्री रखी थी तो आपको पता था कि भाई हमारे पास अगर लाइमन की बात कर रहे हैं, बाल्मर की बात कर रहे हैं, ब्रैकेट की बात करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास एक नेचर आ रहा था जिसको हम लोग किसका नाम दे रहे थे, पफंड का, ठीक है, कि भाई लाइमन है, बाल्मर है, पाश्चन है। तो हमारे पास एन थ्री की वैल्यू अगर आती है तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे, आपके पास पाश्चन की। फिर एन वन की वैल्यू फोर हो सकती है, एन वन की वैल्यू आपके पास फाइव हो सकती है, एन वन की वैल्यू आपके पास सिक्स हो सकती है, एन वन की वैल्यू आपके पास सेवन हो सकती है, एंड सोन तक जा सकती है। तो वन से स्टार्ट होगी भाई, आपके पास लाइमन की बात करेंगे, आपके पास बाल्मर की बात करेंगे, पाश्चन की बात करेंगे, पफंड की बात करेंगे, आपके पास ब्रैकेट की बात करेंगे, ठीक है, कि सॉरी पास्टन के बाद आपके पास क्या आएगा, ब्रैकेट की बात करेंगे कि ब्रैकेट आ गया आपके पास तो ब्रैकेट क्या कहता था आपके पास, इसकी बात करेंगे, पफंड की बात करेंगे तो पफंड क्या था आपके पास, ठीक है। इससे अगर हम लोग बात करते हैं सिक्स सीरीज की, बात करोगी कि एन वन के वैल्यू अगर आपके पास सिक्स हो जाए तो उसके लिए हम लोग आपके पास क्या लेके चलेंगे, तो आपको पता है कि हम लोग उसके लिए हम्फ्री सीरीज का नाम लेके चले थे। क्या लेके थे? हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज। ऐसे हम लोग इसके लिए, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ के एंड के हम लोग क्या रखते हैं, इनफाइनाइट रखते हैं, तो इसके लिए हम लोग नाम रखेंगे लिमिटिंग सीरीज का। क्या नाम रखेंगे? फिजिक्स में पढ़ाते हैं जनरली, अगर इनफाइनाइट हो तो उसके लिए हम लोग लिमिटिंग, यानी एन वन की वैल्यू तो आपके पास कितनी हो जाएगी भाई, सेवन एंड वन, तो एन टू की वैल्यू आप लोग क्या रख दोगे, इनफाइनाइट रख दोगे, तो वहाँ इसका जिक्र करेंगे। तो हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ पे भी आएंगे, बट पहले तो ये जिक्र करेंगे कि सर ये कह रहे क्या रहा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एक्चुअल में क्या क्या रहा है। तो ये आपके पास क्या है कि हम लोग यहाँ पर ना नंबर ऑफ लाइन्स, मेरे को स्पेक्ट्रम तो मिल गया भाई, आपके पास एक इस तरह से लाइन जा रही थी और उसमें क्या कि डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन थी, हो सकती है जैसे आपने इंद्रधनुष देखा, अब इंद्रधनुष जब देखा तो इंद्रधनुष में आपके पास सात कलर होते हैं, क्या सातों के सातों दिखाई देते हैं? नहीं, आपको कुछ ही कलर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रहे हैं वेवलेंथ पे। वेवलेंथ जिनकी ज्यादा थी वो तो आपको दिखाई दे रहे थे, जिनकी वेवलेंथ कम होगी वो हमें नहीं दिखाई दिया। तब मैंने कल आपके पास जिक्र किया था कि अगर आप लोग ये मेजर कर दो कि अगर वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच में हुई, किसके बीच में, 4000 एंगस्ट्रॉम और 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच, तो आपने इसको विबग्योर का नाम दिया था, विबग्योर का नाम दिया था, याद है। और ऊपर थी तो आपने इसको नाम दिया था अल्ट्रावायलेट का, और नीचे थी तो क्या रखा था, इंफ्रारेड्स का रखा था। तो इस चीज को आप लोगों ने क्या नाम दिया था सर, विजिबल रेडिएशन का नाम दिया था। क्या कह रहा हूँ? विजिबल रेडिएशन का, कि सर विजिबल जो आपके पास लाइट होंगी वो विबग्योर होंगी। तो इन बंदों ने पता क्या किया, अगर लाइमन की बात करते हो तो लाइमन ने क्या किया, पहले कैलकुलेट करके देखा, एन वन की वैल्यू रखी, एन टू की वैल्यू रखी, और उनकी वैल्यू से आपके पास लेमडा निकाला, लेमडा निकाला तो लेमडा की रेंज देखी
कि क्या लैम्डा 4000 से कम आ रहा था या 4000 से ज्यादा आ रहा था। अगर वो 4000 से कम आता तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, आपके पास सीरीज तो बेसिक लाइमन थी, पर वो आपके पास क्या होती अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती या नहीं होती, वो डिपेंड कर रहा था किस पे, हमेशा वेवलेंथ पे। तो कल हमने जब जिक्र किया था तो आपके पास यही बताया था। पहली बात तो आपके पास ये होगा कि भाई ये लाइंस तो हमें पता लग गई कि हमें कहाँ से कहाँ आना है, ठीक है। दूसरी आपके पास मेजर पॉइंट क्या है कि भाई अल्ट्रा वायलेट कौन होगी जिनकी वेवलेंथ 4000 से कम होगी। तो आपने देखा कि लाइमन को आपने क्या कहा, भाई यूवी रेडिएशन का नाम दिया। बाल्मर के आपने लिए क्या लिया, विजिबल का नाम लिया आपने, ठीक है। इन बाकियों के लिए क्या लिया, तो आपने इसको IR कर दिया, इंफ्रारेड्स रेडिएशंस कर दिया। हमें क्या पता इंफ्रारेड्स होंगे नहीं होंगे, भाई हमें भी तो पता होना चाहिए। अगर हमें पता होगा तो हम इसके बारे में जान जाएंगे। अब लिमिटिंग के बारे में जानते हैं, तो लिमिटिंग के बारे में तो बस इतना ही कह सकते हैं कि जो N2 की वैल्यू होगी, यहाँ पर जैसे मैंने N1 की रख दी जनरली, जो N2 की वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट को शो कर जाएगी, दैट इज लिमिटिंग। N1 की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है, वो अब मेंशन करेगा कि भाई 7 है, 8 है, समथिंग है। N2 की वैल्यू आपके पास क्या होगी, इनफाइनाइट, दैट इज लिमिटिंग की बात करेंगे, ठीक है। अगर हमफ्री की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो N1 की वैल्यू ली है वो 6 होनी चाहिए एटलीस्ट, तो आप लोग हमफ्री सीरीज की बात कर सकते हो। यहाँ भी अगर आप रख रहे हो कि सर N1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 1, तो ऑटोमेटिक N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इनमें से आप चाहे 3 रखो चाहे 4 रखो, N1 की वैल्यू अगर आपने 1 रख दी तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइमन सीरीज होगी, और क्या होगी, अल्ट्रा वायलेट होगी। तो क्या हमें पता है कि अल्ट्रा वायलेट है या नहीं है, तो हम लोग चलो प्रूव करके देखेंगे कि अल्ट्रा वायलेट होंगी भी या नहीं होंगी। तो कहाँ से प्रूव करें, तो हम यही प्रूव करते हैं आपके पास कि ये है भी या नहीं है, इनकी वेवलेंथ आ क्या रही है, ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो हमने एक फार्मूला रखा जिसको आपने नाम दिया था रेडबर्ग फार्मूला का। क्या नाम दिया था, रेडबर्ग आपके पास फार्मूला। तो रेडबर्ग फार्मूला ने क्या कहा था कि न्यू बार इज इक्वल टू, आपके पास पता है कि हमारे पास क्या लिखते हैं, 1/λ इज इक्वल टू आर, ये रखा था N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर। अगर हम लोग बात कर रहे हैं हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए, तो ये हमने जेड रखा था। आर की वैल्यू आपने फिक्स की थी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, जिसको हम लोग क्या नाम दिया था, रेडबर्ग कॉन्स्टेंट का। तो देखो बच्चों, अब क्या है कि बार बार ना आर की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो हमने ना इसका झंझट खत्म कर दिया, हमने एक शॉर्ट फार्मूला बनाया कि डायरेक्टली लेमडा निकालेंगे 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन में N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर। अगर यहाँ से भी हमारे पास डायरेक्ट वेवलेंथ आ जाती है तो हमें पता लग जाएगा कि यूवी रेडिएशंस कौन सी है, इन लाइमन एक्चुअल में यूवी दे रहा है या नहीं भी, या यूवी बकवास कर रहा है। तो आपको पता लग गया, देखिए अगर हम लोग बात करें लाइमन की, तो लाइमन के बारे में देखिए, आपके पास लाइमन की अगर बात करते हो तो लाइमन में आपको पता लग गया कि N1 की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए और N2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 एंड सो ऑन। तो हम लोग 2 रख लेते हैं, तो आपके पास देखिए क्या बना, तो लैम्डा इज इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम अपॉन में N1 का स्क्वायर और क्या रखोगे आपके पास, N2 की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर रख दिया। क्लियर है, इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करोगे तो आपको पता है कि यहाँ तो आपके पास वही 912 एंगस्ट्रॉम होगा, या आपके पास 1, ये कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। एलसीएम लोगे तो 4, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास, 3/2। तो हम लोग अगर यहाँ रहते हैं तो ये आपके पास 912, यहाँ पर आपके पास कितना आ गया कि सर आपका इसको रख सकते हो, ये तो नीचे 4 हो गया और ऊपर कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आपके पास 912 गुना में 4 और अपॉन में कितना आ गया, 3। सॉल्व कर लो इसको, तो आपको पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कितना हो गए, 8, और ये कितना हो गया, 4, और 9 चौक कितना हो गए, 36। क्लियर, इसको 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास 1, 2, ये आपके पास कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 16/12 आ गया। अब 16/12 की अगर बात करते हैं तो देखिए वेवलेंथ आपके पास कितनी आ गई इसकी, यहाँ पर लोग लिखते हैं 12/16 ये आ गई एंगस्ट्रॉम के ऊपर, ये एंगस्ट्रॉम में है ध्यान रखना। तो अगर ये आ गई तो आपको पता है कि अब ये 4000 से क्या हो गई, कम हो गई, और कम हो गई तो ऑब्वियस सी बात ये क्या होंगी, अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होंगी। मत समझ में आ गई मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको चेक करना है कि एक्चुअल में ये है भी या नहीं भी। मैंने ये वाला फार्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि यहाँ पर बार बार मेरे को इससे आपके पास इन बड़ी रकम से मेरे को क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो मैंने इसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला बनाया। आपको भी ये शॉर्ट फार्मूला लेके चलना है हर बार,
ताकि आप लोग वेवलेंथ ही जनरली फिजिक्स में यूज करते हैं, बहुत सारे आपके पास टीचर्स मिलेंगे जो फिजिक्स में इसको यूज करते हैं, क्योंकि वो लोग कैलकुलेशन से जनरली बच्चे को, हमने कहते हैं ना बचाना है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक देनी पड़ेगी, तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके पास यहाँ मिल जाती है। तो पता लग गया कि N1 की वैल्यू 1 होगी, लाइमन सीरीज है, और लाइमन सीरीज क्या होंगी, अल्ट्रा वायलेट होंगी। तो ये प्रूव है, ताकि हमें पता लग गया फॉर्मूला सही भी है गलत है। तो एक्चुअल में आपको पता लग रहा है, आप यहां से निकालोगे कि N1 की वैल्यू 1 रखोगे, N1 की वैल्यू, N2 की वैल्यू 2 रखोगे, R की वैल्यू, तब भी आपके पास सिमिलर आंसर आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। तो सिमिलर अगर मैं केस की बात करूं, चलो सर इसको हटाओ कि लाइमन सीरीज को हटाओ, अब आप लोग लेते हो किसके, सर बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, तो बाल्मर में आपको पता लग गया विजिबल रेडिएशन की बात होगी, किसकी बात होगी, विजिबल रेडिएशन की। तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू कितना था, 912 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास बाल मरण पता है कि N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 एंड सो ऑन। तो रखो आपके पास 912 एंगस्ट्रॉम, N1 की वैल्यू कितनी रख दी 2 का स्क्वायर, और N2 की वैल्यू कितनी रख दी 3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करोगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आप इसको सॉल्व करके किस तरह से देखते हो, क्योंकि मेजरेबल क्वांटिटी है, तो हमारे पास किस तरह से इन चीज की वैल्यू आ रही है। तो सॉल्व करने पे आपको पता लग जाता है कि सर ये मेजरेबल क्वांटिटी है, और मेजरेबल क्वांटिटी को अगर आप ठीक से मेजर करके चलते हो तो हमारे पास एक नई क्वांटिटी बनेगी, जिनसे हमें पता लग जाएगा कि ये विजिबल रेडिएशन है या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, या आपके पास इंफ्रारेड्स है। तो यहाँ पर आपके पास स्पेक्ट्रम पता लगता है कि सर जो लाइन्स हमारे पास आ रही है वो एक्चुअल में कहाँ से कहाँ टैली करेगी, किस तरह से हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं, और कहाँ उसकी यूज कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं आपके पास कि चलिए सर ठीक है, आपने जैसे ये बता दिया कि भाई आपके पास अगर हम लोग इसका कलर देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, चलो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके, आपने कर भी लिया होगा, 912 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ रखेंगे आपके पास 1/4, यहाँ रखेंगे आपके पास 1/9, एलसीएम ले लेंगे तो आपको पता है कि आपके पास 912 एंगस्ट्रॉम, नीचे कितना आ गया आपके पास 36, 4×36 9, 9×36 4, कितना आ गया आपके पास 912 डिवाइडेड बाय 5/36, तो ऊपर कितना ले जाएंगे आपके पास वही 912, ऊपर कितना आ गया 36 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व कर लो इसको, सॉल्व करके देखो आपके पास, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, इजीली सॉल्व करते हैं, तो अगर मान लीजिए 36 है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो सीधा अगर अप्रोक्सीमेट में ले लेते हैं तो 5×9=45, तो आप देख रहे हो कि इसके और इसके बीच में आ रहा है। अगर आप इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हो कि इसको 5 से हम लोग डायरेक्ट काट दें, एक आपके पास वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है, तो अगर आप करते हो तो आपको दिख रहा है कि भाई 5 से अगर हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो 5, और यहाँ कितना होगा 9×45, तो वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 4000 और 8000 के बीच में होगी। तो इसका मतलब आपके पास कौन सी सीरीज होगी है, बाल्मर सीरीज होगी। बाल्मर सीरीज का मतलब क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से यहाँ के बीच में आ गए, तो बीच में आ गए तो कोई सा कलर तो होगा, अब कौन सा कलर होगा तो वो डिपेंड करेगा इस वैल्यू का जो आंसर निकलेगा वही उसका कलर होगा। बस समझ में आ गई। तो अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो कि सर हम लोग किसी की वैल्यू से सॉल्व कर ले, तो वहां से भी हमें आइडिया हो जाता है कि कितनी वैल्यू, चाहे डेसिमल में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एटलीस्ट मुझे पता था कि 12×5=60, और मैं बात करूं 45, तो इसका करो कर पाएगा आपके पास 45, और यहाँ 7×8 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए और इनके बीच का टर्म्स देखिए, क्या ये बीच में नहीं आ रही, तो बीच में आ रही, तो अगर मान लीजिए वैल्यू अप्रॉक्स इतने आती है तो मुझे पता लग जाएगा कि ये वायलेट है या इंफ्रारेड्स है। तो अगर हम लोग यहाँ पर इनकी वैल्यू भी लिखे कि भाई इनकी कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो वायलेट की जनरली अगर आप बात करते हो तो रेड की तो आपके पास मैक्सिमम आएगी, वायलेट की अगर आप बात करते हो तो आपके पास इनकी वैल्यू आती है 4102 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, वेवलेंथ जो होती है। अगर आप बात करते हो किसकी, इंडिगो की बात करते हो, तो इंडिगो की आपके पास मिलेगी कितनी, तो आप कहोगे सर इंडिगो की अगर हम लोग बात करें तो इंडिगो की मिलेगी मेरे पास कितनी 4341, यानी आपके पास इसकी मिलेगी 4341, ये मिलेगा आपके पास। अगर ऐसी आप ब्लू की बात करो तो सबका वेवलेंथ आपके पास गिवन है, आप लोग देख भी सकते हो सर अगर आप ब्लू की बात करोगे तो आपके पास कितना है 4862 है, 4862, ठीक है। ऐसी आपके पास ग्रीन कलर की वेवलेंथ देख सकते हो, रेड कलर की वेवलेंथ देख सकते हो, तो रेड कलर तो आपके पास यूनिवर्सल है, तो कितनी हो जाएगी इसकी, इसकी करीब करीब मिलती है हमारे पास 65-63 के आसपास, ठीक है, तो हर किसी की मिलेगी। तो ये वैल्यू अगर आपको पता है कि ये वेवलेंथ अगर इसके और इसके बीच में आ रही है तो कलर कॉम्बिनेशन पता लग जाएगा। बस समझ में आ गई। वहां आप लोगों ने जो लिया था वहां नैनोमीटर में लिया था, यहाँ हम लोग जो रहे हैं वो एंगस्ट्रॉम में ले रहे हैं, तो एटलीस्ट मेरे पास वैल्यू तो पता लग गई, यानी इससे आपको ये पता लग गया कि आप लोग किसकी बात कर रहे हो। अगर बाल्मर की बात कर रहे हैं तो बाल्मर में N1 की वैल्यू 2 और N2 की वैल्यू कितनी लेके चलनी है 3 लेके चलनी है, तो वहां से आइडिया हो जाता है बच्चों कि भाई मेरे पास किस तरह से हम लोग सर ये बातें सही भी है गलत भी है। चलिए देखिए इंफ्रारेड्स के बारे में देखते हैं थोड़ा सा।
अगर पता लग जाए कि इंफ्रारेड्स आपके पास कितने आते हैं, तो वहां से ही पता लग जाएगा सर ये इंफ्रारेड्स एक्चुअल में है या नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं पास्चन की, तो आपको पता है कि लैम्डा N1 की वैल्यू पास्चन के लिए क्या होगी, 3, और N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो आपके पास वही 912 एंगस्ट्रॉम, कितना रखोगे, N1 का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो इसको, क्लियर है। इसको सॉल्व करते हो तो आपको साफ दिख रहा है कि भाई 912 यहाँ पर, यहाँ 1/9 और यहाँ 1/16, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करते ही आपके पास क्या आएगा, ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 8000 से ज़्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इंफ्रा रेड रेडिएशंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इंफ्रा रेड रेडिएशंस। तो इनमें आपको प्रूफ मिल जाता है, क्योंकि आगे चल के क्या होगा, ये बड़े हेल्पफुल होंगे कि जब हम लोग वेवलेंथ किसी का फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग इन्हीं मेथड का इस्तेमाल करेंगे बार बार, कि सर हम किस तरह से पता लगेगा कि भाई ये इस तरह से यूज होगी या नहीं होगी। एक और चीज है इसमें जो मेजर चीज है, वो आप और देख लीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये 912 एंगस्ट्रॉम वाले रखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और ये तो शॉर्ट ट्रिक है कि यूनिवर्सल है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। हमने बाल्मर देख लिया, यहाँ आपके पास ले लेते हैं लाइमन, N1 की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इसको वापस वहीं ले आते हैं ताकि हमें क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो। इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा होता है, इसलिए ना गैप के हिसाब से लिखा जाता है, थोड़ा ध्यान रखना। N1 की वैल्यू 1, तो ये ना गैप ज्यादा मिलेगा, इसके बारे में हम लोग बहुत थ्योरी में डिस्कस करेंगे, ताकि पता लग जाएगा सर ये लाइंस के बीच में गैप क्यों होता है। तो आप जितना ऊपर चले जाते जाओगे, गैप उतना कम होता चला जाएगा, समझ में आ गया। तो एनर्जी डिफरेंस का यहाँ ज्यादा फर्क है। तो ये कहता है कि मान लीजिए हम लोग 6 से कहाँ आ रहे हैं, 1 पे आ रहे हैं, तो 6 से 1 पे आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, ठीक है, बस समझ में कह दिया, बोलो। ये कहता है कि छठे सेल से, छठे सेल का मतलब यहाँ पे क्या है, ये देख लीजिए कि हम लोग बात करते हैं, आप और ऑर्बिट के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ हम लोग सेल्स और न्यूक्लियस के बारे में जिक्र करेंगे। भाई ये न्यूक्लियस, ये इसके सराउंडिंग, इसके सेल हो गए, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल। तो ये वही वैल्यू है जहाँ हम लोग N1 की वैल्यू क्या रख रहे हैं आपके पास, कि अगर हम इसकी बात करें तो N1 की वैल्यू 1 रख रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दो यहाँ से, N1 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर आपके पास 2 है, यहाँ आपके पास 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, और भी एक ले लो सर्कल इसमें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम 6 से कहाँ जा रहे हैं, इस न्यूक्लियस की तरफ जा रहे हैं, फर्स्ट पे, बात समझ में आ गई। तो फिर क्या रहेगा, 5 से फर्स्ट पे, फिर अब फिर यहाँ से, बात समझ में आ गई। तो इनके बीच में लाइन देखा जाएगा, जैसे मान लीजिए कई बार ऐसा होगा टीचर सबसे पूछ लेंगे कि मान लीजिए एन की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है, तो इसमें नंबर ऑफ लाइंस बताइए, क्या बताइए, नंबर ऑफ लाइंस। ये बहुत आता है क्वेश्चन कि एन की वैल्यू 6 है। ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे कह दे कि N1 की वैल्यू 1 है और N2 की वैल्यू आपके पास 6 है, तो इनके बीच में नंबर ऑफ लाइंस बताइए, समझ रहे मेरी बात, इसके बीच में, यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में, लाइंस का मतलब समझ गए भाई, ये मेरे पास रेडिएशन आ रहे हैं, हमने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ डिसाइड कर लिया कि ये और ये इसके बीच में इतने नंबर ऑफ रेडिएशन होने चाहिए, ये इतने नंबर ऑफ लाइंस होनी चाहिए। मुझे लाइंस काउंट करनी है कि एक्चुअल में सर लाइंस काउंट करेंगे कैसे, भाई आप चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से, यहाँ से इजी रहता है, तो आपको दिख भी जाएगा कि लाइंस कैसे काउंट करने हैं। दिखाता हूँ, देखो कि अगर आपसे किसी ने कह दिया 1 to 6 लाइन काउंट करनी है, तो इसमें हम लोग डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हो, बट उससे पहले आपको अगर दिख जाएगा तो आपको ईजी रहेगा कि सर किस तरह से हम लोग मेजर कर सकते हैं, किस तरह से नहीं। तो आपने अगर जिक्र किया कि सर यहाँ से यहाँ आना है, तो कैसे आए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहाँ से आए भाई, आपके पास यहां से इस पे आओगे, तो 6 से फिर कहां पे जाना है आपके पास, 1 2 3 4, फिर 6 से कहां जाना है आपके पास, 1 2 3, फिर कहां जाना है, 1 2, फिर कहां जाना है, 1। गिने कितने लाइन है, कितनी लाइन है आपके पास, 1 2 3 4 5, कितनी लाइन है, 4, कितनी लाइन है, 3, कितनी लाइन है, 2, कितनी लाइन है, गिनो गिनो, 15 होगी भाई आपके पास, कितनी होगी, 1 3 3 और 3, 6 6 और 4 10 और 5 15। तो N1 की वैल्यू 6 और N1 की वैल्यू 1, इसके बीच में अगर किसी ने कह दिया कि सर कितनी नंबर ऑफ लाइंस होंगी, तो कितना बताओगे, 15। कैसे कैलकुलेट किया, समझ में आ गया कि लास्ट से पहले वाले सेल में जाना है, फिर लास्ट से सेकंड सेल में, फिर लास्ट से थर्ड सेल में, फिर लास्ट से फोर्थ सेल में, फिर लास्ट से फिफ्थ सेल में।
अगर आप कहो कि सर हमें तो डायरेक्ट निकालना होगा नंबर ऑफ लाइंस, तो फार्मूला बनेगा एन एन माइनस वन अपॉन में टू, निकाल लीजिए एन एन माइनस वन अपॉन में टू। तो फार्मूला अगर पुट करते हो तो क्या आएगा, सिक्स, यहाँ पर सिक्स माइनस वन अपॉन टू कितना हो गया, टैली कर लो भाई, आपके पास पंद्रह दूनी तीस, तीस और यहाँ पर आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर दो डिवाइड करके कितना आ गया पंद्रह। देखिए यहाँ भी आपके पास पंद्रह आ रहा है और यहाँ भी पंद्रह लाइन आ रही है, दिख रहा है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब यहाँ पर क्या है, वो ग्रुप उसमें जितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे वो सब काइंड करवा सकता है। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आप बोल रहे हो कि लाइमन सीरीज आपके पास कौन सी होती है, कि भाई अल्ट्रा वायलेट है, तो क्या मुझे पता है वो अल्ट्रा वायलेट है? हाँ जी पता है, बिल्कुल पता है। अगर उसने कह दिया कि वाल्मर सीरीज आपके पास विजिबल है, तो विजिबल मुझे है या नहीं है, पता है सर, बिल्कुल पता है। अगर मुझसे कह दिया कि वो पफन सीरीज की बात कर रहा है, तो पता है, बिल्कुल पता है सर। नंबर ऑफ लाइंस निकलवा ले, तो लाइंस का मतलब क्या है, दैट इज स्पेक्ट्रम, ये स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डायग्राम। तो ये डायग्राम आपके पास कहाँ चल रहे हैं, इन्फिनिटी टू ग्राउंड लेवल तक, ग्राउंड स्टेट तक, ठीक है। अब हम लोग जो जिक्र करने वाले हैं बोर थ्योरी में, वहाँ एनर्जी डायग्राम हम लोग जिक्र करेंगे, तो दैट इज एनर्जी डायग्राम, वो इसी तरह से हम लोग जिक्र करेंगे। ये जो गैप है ये एनर्जी का डिफरेंस है, क्योंकि आगे चल के मैं इस फार्मूले को ड्राइव करूंगा, जो आपने अभी लिखा था कि लैम्डा इज इक्वल टू, या हम लोग कहते हैं सॉरी न्यू बार इज इक्वल टू आपने 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर और 1 अपॉन में n1 का स्क्वायर और 1 अपॉन में n2 का स्क्वायर। ये मैं प्रूव करूंगा ये आया कहां से है। तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप बोहर थ्योरी पढ़ेंगे और उस बोहर थ्योरी से हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए एक और इसमें याद रखना है कि अगर वेवलेंथ के बारे में जिक्र कर रहा है, तो आप वेवलेंथ और कैसे मेजर कर सकते हो, मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ। तो इसके लिए भी हम एक शॉर्ट फार्मूला बना देते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि अगर मैक्सिमम वेवलेंथ पूछ रहा है या मिनिमम पूछ रहा है, तो उसका डाटा भी आपके पास क्लियर होना चाहिए कि सर अगर मैक्सिमम मिनिमम के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइन की बात करेगा, तो डिफरेंट स्पेक्ट्रल सीरीज की अगर हम लोग हाइड्रो स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, तो आपको पता है हमने एक फार्मूला मॉडिफाई करना है, न्यू बार इज इक्वल टू आपको पता है 1 बाय लैम्डा या रख सकते हो आर एन वन का स्क्वायर और एन टू का स्क्वायर रख सकते हो। यहाँ हम लोग मैक्सिमम मिनिमम की बात करेंगे, ध्यान रखना, ये नोट्स में थोड़ा नहीं दे रखा, तो इसको कृपया करके या तो बुक से नोट कर लेना या लाइन टू लाइन यहीं से चलना कि भी आपके पास किस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो अगर आप लोग यहाँ से क्या करते हो, सर मेरे पास 1 बाय लैम्डा की वैल्यू ले ले, या हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर ले किसका लैम्डा की वैल्यू ही फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या होगा, तो आप लोग लिख सकते हो कि सर ये वैल्यू हो जाएगी आर एन टू का स्क्वायर माइनस एन वन का स्क्वायर और एन वन का स्क्वायर इंटू में एन टू का स्क्वायर, एलसीएम लेके ऊपर आ जाएंगे। बोले ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, 1 बाय लैम्डा की। और अगर मेरे पास क्या निकालनी हो, लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, तो आपको पता है एन वन का स्क्वायर इंटू एन टू का स्क्वायर एन टू माइनस एन वन का स्क्वायर और इंटू में क्या आ जाएगा आर। तो ये मेरे पास मॉडिफिकेशन है किसका, लैम्डा का, आ गया बताइए ये मॉडिफिकेशन किसका आ गया, लैम्डा का। ये नोट करके चलना है, ध्यान रखना, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, मैक्सिमम और मिनिमम की। अब वेवलेंथ आपके पास मैक्सिमम कब होगी, जब आपको पता है कि एन वन एन टू माइनस एन वन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम। भाई अगर मैं बात करूं वेवलेंथ मैक्सिमम है इफ कब, तो आप कहोगे एन टू माइनस एन वन का जो स्क्वायर आ रहा है वो क्या होना चाहिए, वो मिनिमम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मिनिमम। समझ में आ गया, कब, अगर आपके पास कह रहे हैं ये और ये मिनिमम होगी, तो ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, इन्वर्सली हो गया ना, बस समझ में आ गई। तो आप इनको टैली कर सकते हो आराम से, आप इनको टैली करने के लिए हमें क्या निकालना है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलरली अगर हम लोग लैम्डा की मिनिमम की वैल्यू बात कर रहे हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये लैम्डा अगर हम लोग मिनिमम कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एन टू का स्क्वायर और एन वन का स्क्वायर ये क्या हो जाना चाहिए, ये मैक्सिमम होना चाहिए। समझ में आ गया, सिमिलर है, क्योंकि इन्वर्सली इसको कांस्टेंट रख देंगे तो इन्वर्सली हो जाएगा, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा और दूसरा बढ़ेगा तो तीसरा आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। तो यहाँ कहता है कि जनरली आपको बस पता है कि एन टू इज ग्रेटर देन क्या होता है, एन वन, ठीक है, लार्ज ग्रेटर देन, क्योंकि हम लोग पता है कि हमें हमेशा याद रखना है कि एन टू की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है किससे, एन वन से। तो एन वन को हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एन टू से फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लैम्डा मिनिमम है, क्या करता हूँ यहाँ लैम्डा ले लेते हैं मिनिमम, तो फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, देखिए क्योंकि हमने क्या किया, आपके पास
लैम्डा एन टू आपके पास ग्रेटर देन था किससे, एन वन से। तो हमने इसको नया फॉर्मूला बना दिया कि एन वन का स्क्वायर अपॉन में आर। ये वैल्यू कब होगी, जब आपके पास वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो एन वन की वैल्यू आपके पास है, आर की वैल्यू है, पुट कर आंसर निकाले, वेवलेंथ आपके पास क्या आ गई, मिनिमम आ गई। सिमिलरली अगर आप केस के इसकी बात करते हो, अगर लार्ज वैल्यू ऑफ किसका लेंगे एन टू का, और एन टू को इनफाइनाइट कर दो, तो आपके पास टर्म्स कुछ बदल सकती है, और वो बदली हुई टर्म्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, तो लैम्डा अगर मैक्सिमम निकालना हो तो आपको पता है कि वैल्यू मेरे पास क्या है, कि लैम्डा अगर मैक्सिमम निकालना हो तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका मैक्सिमम के लिए, और मिनिमम के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका। याद रहेगा, मैक्सिमम के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आपके पास, इसका। मिनिमम के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, इसका। एन वन की वैल्यू गिवन मिलेगी, पुट करोगे, एन टू की वैल्यू गिवन मिलेगी, पुट करोगे, आंसर निकालोगे। चलो एक के लिए निकाल के देख लेते हैं, बाकी के लिए आप खुद निकालना। तो हम निकाल लेते हैं पहले लाइमन सीरीज के लिए, कि लाइमन में आपके पास मैक्सिमम की अगर बात करें और मिनिमम की। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम लेंगे कैसे, कि जब आपके पास बात करोगे मैक्सिमम की तो एन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसके लिए ले रहे हैं, फॉर लाइमन सीरीज, और एन टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू थ्री फोर एंड सो ऑन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की। तो पुट कर दीजिए आपके पास, तो लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास इनकी वैल्यू पुट कीजिए, एन वन की वैल्यू आपके पास क्या रखनी है, वन, और एन टू की वैल्यू क्या रखनी है आपके पास, टू। तो आपके पास क्या आएगा, चलो पुट करके देख लेते हैं। अगर इसके लिए मैक्सिमम कर रहे हैं तो ये आपके पास हो जाएगा, एन वन की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, वन इन टू में इसका स्क्वायर, टू का स्क्वायर। ठीक है, आपके पास टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर और आर। तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ पर ऊपर, कितनी ऊपर आ गई, फोर, और नीचे आ गई कितनी, थ्री। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं आपके पास, फोर बाय थ्री आर। तो ये आ गया क्या, ये आ गया वेवलेंथ मैक्सिमम है। अगर सिमिलर के साथ मिनिमम के लिए ले रहे हो, किसके लिए ले रहे हैं, मिनिमम के लिए, तो एन वन की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, वन, और एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, इनफाइनाइट। तो एन टू की वैल्यू अगर इनफाइनाइट करोगे तो एन वन की वैल्यू आपके पास कितनी है, वन, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, वन बाय आर। कितना हो जाएगा, वन बाय आर। याद रहेगा कि एन वन की वैल्यू तो कितनी रखनी है, वन ही तो रखनी है, आ गया। तो ये लेंथ आ गई किसकी, मिनिमम की, और ये किसकी आ गई, मैक्सिमम की। सिमिलर केस आप किसके लिए रखोगे, आपके पास डिफरेंट डिफरेंट के लिए रख सकते हो। लाइमन के लिए रखा था, आपके पास ऐसी लाइमन के लिए रखोगे, किसके लिए रख सकते हो, बाल्मर के लिए रख सकते हो, किसके लिए रख सकते हो, ब्रैकेट के लिए रख सकते हो, पास्चन के लिए रख सकते हो, पफंड के लिए रख सकते हो, सबके लिए आप रख सकते हो एन वन और एन टू की वैल्यू। तो यहाँ से आप लोग टैली कर सकते हो किसका आपके पास रिलेशन कितना आएगा। और अगर आप इसका फ्रैक्शन में लेके चलते हो, कि सर अगर फ्रैक्शन की बात करें, कि भाई अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि आपके पास लैम्डा आपके पास मैक्सिमम और अपॉन में लैम्डा मिनिमम, तो यहाँ से आप इसको भी काउंट कर सकते हो। तो मैक्सिमम कितना था, फोर बाय थ्री आर, मिनिमम कितना था, वन बाय आर, आर से आर कैंसिल, आपके पास क्या आ गया, फोर बाय थ्री। तो ये आपके पास क्या निकल जाता है, रेशो निकल जाता है मिनिमम और मैक्सिमम का। तो ये हमने आपके पास सिर्फ किसके लिए लिया है, लाइमन के लिए लिया है। आप ऐसे ही बालमर के लिए, ब्रैकेट के लिए, पफंड के लिए, सबके लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आपके पास कौन सी सीरीज का, उन्हीं का है कि भाई मैक्सिमम अगर मिनिमम वेवलेंथ निकालनी हो तो हम लोग किस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर सिमिलर केस आप बालमर के लिए लेके चलते हैं, कि सर मैं आपके पास बालमर की अगर बात करूँ मैक्सिमम में, तो एन वन की वैल्यू हम कितनी पुट करते हैं, टू, और एन टू की वैल्यू कितनी पुट कर देते हैं, थ्री। तो आपके पास जो रिजल्ट बनता है वो आपके पास कितना बनता है, तो हम लोग लिखते हैं उसको 36/5R। सिमिलर किसके लिए, बालमर के लिए। सिमिलर आप कैसे लेके चलते हैं इसके लिए, कि सर अगर हम लोग बात करें बालमर की बात कर रहे थे, तो बालमर के लिए मिनिमम आपके पास क्या होगा, एन वन की वैल्यू कितनी रखते हैं, टू, तो फोर बाय आर ये रख देते हैं। तो ये मिनिमम हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यहाँ से अगर रेशो निकालना होता तो 9/5 आ जाता, निकाल सकते हो। तो ये थोड़ा सा आपके पास काम की चीज़ थी, इसको थोड़ा सा ढंग से करके चलेंगे तो ये हमारे पास पूरा एक लाइमन का कॉम्बिनेशन, यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉम्बिनेशन बनता है। तो नंबर ऑफ लाइंस निकाल सकते हो, पता लग गया वेवलेंथ लाइमन की क्यों थी, बालमर की आपके पास उसको विजिबल क्यों कह रहे थे, बाकी को इन्फ्रारेड्स क्यों कह रहे थे। तो ये डाटा आपको थोड़ा सा याद करके चलना है, इसको नोट करके चलना है। ये स्पेशली आप लोग चाहे उसको स्क्रीनशॉट लेना, चाहे उसको देख के करना, टैली की जरूर करना, कि वेवलेंथ मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी हो तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम यहाँ से इस फार्मूला, मिनिमम यहाँ से, एंड वन वे की वैल्यू जो भी होगी पुट करो,
निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको ये करना है और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में भोर थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच।